पिछले अध्याय में हम लोगों ने टीपू सुल्तान की तलवार और कुड्ज स्टील जो दक्षिण भारत के पूरे इलाके में इस्पात का घरेलू उत्पादन जो हो रहा था वे कैसे धीरे धीरे खत्म हुए, उसके बाद औपनिवेशिक सरकार ने उस उद्योग को खत्म करने के लिए क्या क्या तरीका और हरकतें अपनाई थी, इसके बारे में हम लोगों ने काफी विस्तार से पढ़ा। लेकिन उसके बाद जो औपनिवेशिक सरकार के द्वारा जो काम किया जा रहा था उसी में एक हिंदुस्तान में एक व्यापक उद्योग की शुरुआत हुई, और इस व्यापक उद्योग की शुरुआत में हम आज इस कहानी को जानने का प्रयास करेंगे कि खुद हमारे झारखंड में जो दो बड़े बड़े उद्योग स्थापित हुए, एक तो आजादी से पहले और एक आजादी के बाद, आज उसके दास्तान के बारे में हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम देखते हैं, उसी में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, जिसको हम शॉर्ट में टिस्को भी कहते हैं, इसकी स्थापना के पीछे एक रोचक कहानी भी है। कहानी यह है कि एक पारसी, जिनको हम कह सकते हैं जमशेद जी नौशेरवा जी टाटा, उनके बड़े बेटे जिनका नाम दोराब जी टाटा था, और अमेरिका के एक भूवैज्ञानिक जिनका नाम चार्ल्स रेड था, ये लोगों के प्रयास थी कि भारत में एक बड़े उद्योग की हम स्थापना करें। लिहाजा इन लोगों ने कई स्थान पे घूमना शुरू किया। कहा यह जाता है कि दोनों यानी वेल और दोराब जी एक बार घूमते घूमते जंगल के किनारे, और ये जंगल जो था वे रजारा पहाड़ी के आसपास था, वहां पे जैसे ही ये पहुंचा तो देखता है कि कुछ औरतें जो है वे अपने सर पे टोकरी लेकर लोह अयस्क को ले जा रही थी। तो इन लोगों ने उनसे पूछा कि ये आखिर आयरन और आपको कहां से मिला, तो वे जो औरतें थी उन्होंने एक पहाड़ी की तरफ इशारा किया, और ये पहाड़ी जो है वे रजारा की पहाड़ी थी। तो वहां पे इन लोगों को लोह अयस्क के बारे में काफी विस्तार से जानकारी मिली, और इन लोगों का ये कहना था कि जिस चीज की हमें तलाश थी वो मुझे मिल गया, और ये लोह अयस्क आदिवासी समुदाय के अगरिया समुदाय की औरतें और मर्द इस काम में इन्वॉल्व थे। अब वहां जो इनकी ख्वाहिश थी कि एक बड़ा उद्योग स्थापित करेंगे, लेकिन वो इलाका जो है वो काफी सूखा था, और हम अच्छी तरह से जानते हैं कि किसी भी उद्योग के लिए तीन चार चीजों का होना जरूरी है। एक जो सबसे आम चीज है वह है पानी, दूसरी बात मजदूर, फिर बिजली। तब इन लोगों ने एक निर्णय लिया कि स्वर्ण रेखा नदी के किनारे सोचा कि इसी जंगल को यहां पे साफ करके एक बड़ा लोह उद्योग स्थापित करेंगे, और 1904 से लेकर 1907 में इन लोगों ने 3 साल सर्वे के बाद अंततः जिसको हम आज जमशेदपुर कहते हैं वहीं पे सांची एक स्थान है, वहां पे लोह उद्योग की स्थापना या शिलान्यास 1907 में। फिर 5 साल के बाद 1912 में वहां से उत्पादन शुरू हो जाता है, और ठीक कुछ ही साल के बाद हम जैसा कि जानते हैं इतिहास में कि 1914 से 1918 तक पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था, और इस वर्ल्ड वार में हम देखते हैं कि औपनिवेशिक जो सरकार थी और इंग्लैंड भी इस युद्ध में इन्वॉल्व थे, लिहाजा इंग्लैंड में बनने वाले सारे सामान का ज्यादातर इस्तेमाल यूरोप में होने लगा। यहां पे इंग्लैंड के सामान का डिमांड भी कम होने लगा, और इसी बीच में हम देखते हैं
कि 1919 ईस्वी तक खुद औपनिवेशिक सरकार ने टिस्को में बनी हुई सामानों का 90% का खरीदार वो खुद हो गया था। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि अब टिस्को धीरे धीरे उरूज के कगार पर आता है और उसका उत्पादन अब पूरे देश में बढ़ने लगता है। अब उसके बाद जो दूसरा हम देखेंगे कि आजादी के बाद चूंकि हम और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे प्रथम प्रधानमंत्री स्वर्गीय जवाहरलाल नेहरू का एक सपना था कि द्वितीय जो पंचवर्षीय योजना के तहत देश के विभिन्न इलाकों में उन्होंने लोग और स्टील जो उद्योग है उसको स्थापित करने के लिए कई उनका प्रयास हुआ और उसी प्रयास से हम देखते हैं कि खुद झारखंड की राजधानी रांची में एक हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन यानी HEC ये रूस वगैरह के कॉलेब्रेशन से उन्होंने लगाया था। अब 1958 में इसका स्थापना हुआ था और यहाँ पे जो प्रमुख चीजें बनती है उसमें हम देख सकते हैं कि हैवी मशीन टूल्स प्लांट यानी HMTP के नाम से हम जानते हैं, इसी तरह से हैवी मशीन बिल्डिंग प्लांट HMBP के नाम से जानते हैं, फिर हम देखते हैं कि फॉर्ट्री फॉर्स प्लांट FFP के नाम से हम जानते हैं। इसके साथ साथ HEC में जो खास उत्पादन होता था उस वक्त वो इस्पात, खनन, रेलवे के सामान, ऊर्जा, रक्षा, अंतरिक्ष अनुसंधान, परमाणु और सामरिक जो चीजें हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि अब भारत जो है दूसरे देश पर निर्भर न रहकर खुद अपने ही यहाँ स्टील लोहा का उत्पादन करना शुरू कर दिया। और हम जैसा कि पहले भी बता चुके हैं कि इस द्वितीय पंचवर्षीय योजना में न सिर्फ HEC बल्कि दुर्गापुर, भिलाई, रौरकेला कई ऐसे प्रदेशों में भी भारत सरकार के द्वारा लोह इस्पात और उद्योग स्थापित किया गया। तो इस तरह से हम देखते हैं कि अब भारत जो है धीरे धीरे अपने ऊपर आत्मनिर्भर होने लगा और अब भारत की सामान जो है वे विदेशों में जाना शुरू हो गया। तो आज हम लोग दो चीजों के बारे में जाना, वो ये है कि अब हमारे देश में एक व्यापक उद्योग धंधा जो है वो शुरू भी हो गया, स्थापित भी हो गया। अगली क्लास में हम लोग दूसरे विषय के बारे में जानने का प्रयास करें।